नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पुलिस ने अंतर जनपदीय ट्रक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सैनी थाना पुलिस व एसओजी टीम को मुखबिर से जानकारी मिली कि कनवार बॉर्डर पर एक बंद पड़े ढाबे में दो गाड़ियों के साथ कुछ अज्ञात लोग खड़े हैं। तत्काल चौकी इंचार्ज अजुआ ने एसओजी टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंच गई, जिसे मौके पर वहां एक डीसीएम एसर बिना नंबर प्लेट की तथा एक ट्रक जिसमें WB12B8447 नंबर लिखा था। मौके पर दो युवक पकड़े गए, जिनमें भोला पुत्र श्याम सिंह कुराम इलाहाबाद व दूसरा राजकुमार यादव पुत्र रामदास छलवा धूमनगंज इलाहाबाद के रूप में जिनकी पहचान हुई। इन लोगों के पास से 6 मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज मिले हैं। हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है। इन वाहन चोर पकड़े हैं, क्या पूरा मामला, ये कहां से पकड़े हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? सूचना मिली थी ऐसे संदिग्ध।